तो पिछले क्लास में हम लोग जो है क्वथनांक कुंदन बारे में पढ़े हुए थे और उसमें हम लोग कुछ फॉर्मूला निकाले हुए थे। अभी उसमें एक दो क्वेश्चन एनसीईआरटी के बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस डायरेक्ट क्वेश्चन ये बोर्ड में भी आता है, 5 मार्क्स में क्वेश्चन ही आते हैं, तो उन क्वेश्चन को हम एक बार सॉल्व करते हैं। और इसके अलावा एक दो क्वेश्चन और है एनसीईआरटी में जिसको आप खुद से कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन, उसके पहले जो है कल हम पिछले क्लास में जो हम लोग फॉर्मूला देखे थे उसको एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि उसी फॉर्मूला पर ये क्वेश्चंस बनेंगे और उसी फॉर्मूला पर जो है जो और भी क्वेश्चन एनसीईआरटी के या फिर बोर्ड के क्वेश्चंस हैं वो बनेंगे। तो देखिए, तो फॉर्मूला क्या क्या था, तो पहला चीज हम पढ़े थे टॉपिक क्या क्या था, क्वथनांक का उन्नयन, ठीक है, जो किसमें आता है, अणुसंघ गुणधर्म में। अणुसंघ गुणधर्म क्या होता है, तो नाम से ही स्पष्ट है, अणुसंघ गुणधर्म मतलब कि विलयन के ऐसे गुणधर्म जो कि विलेय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है, उसके प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है, वह गुणधर्म क्या कहलाता है, अणुसंघ गुणधर्म कहलाता है, ठीक है। तो जो अनुसंग गुणधर्म था उसी के बारे में हम पढ़े थे और बतलाया थे कि अनुसंग गुणधर्म कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का, कौन कौन, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन, प्रासरण एवं प्रासरण दाब, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। तो उसमें से एक हम लोग पढ़े थे जिसका नाम था क्वथनांक का उन्नयन। तो उसमें हम लोग फॉर्मूला क्या देखे थे, पहला फॉर्मूला हमारा था क्वथनांक का उन्नयन क्या होता है। देखिए, दो जो पिछला वीडियो नहीं देखा है बेहतर होगा, पहले पिछला वीडियो देखिए तब इसको देखिए, समझ में अच्छे से आएगा, ठीक है। तो फॉर्मूला हम लोग क्या देखे थे, पहला फॉर्मूला था डेल्टा टी बी इजकल टू टी बी माइनस टी नॉट बी। डेल्टा टी बी क्या है, डेल्टा टी बी है क्वथनांक का उन्नयन, टी बी क्या है, टी बी है विलयन का क्वथनांक, और टी नॉट बी क्या है, टी नॉट बी है विलायक का क्वथनांक, विलायक का शुद्ध अवस्था क्वथनांक, ठीक है। मतलब कि देखो, जब कोई भी मान लो विलायक है, ठीक है, उसमें अगर हम विलेय मिलाएंगे तो क्वथनांक उसका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो जो पहले था वो मान लो टी नॉट बी था, बाद में बढ़ के क्या हो गया, टी बी हो गया। तो ये जो अंतर है इसी को क्या कहते हैं, क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। डेल्टा टी बी इजकल टू क्या हुआ, टी बी माइनस टी नॉट बी हुआ, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला हम लोग क्या देखे थे कि डेल्टा टी वी जो है वो मोललता के समानुपाती होता है। मोललता साइन हटा था तो वहाँ पर एक कांस्टेंट आ गया था, कांस्टेंट क्या आ गया था, डेल्टा टी वी इजकल टू के बी इंटू एम। यहाँ पर के बी को क्या बोलते हैं, के बी को बोलते हैं मोलल उन्नयन स्थिरांक। एम क्या है, एम है मोललता, और मोललता क्या होता है, विलेय का मोल बटा विलायक का द्रव्यमान। तो डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू, मोललता की जगह क्या आ जाएगा, डब्लू बी बाई एम बी इंटू डब्लू ए। डेल्टा टी बी क्या हो गया, डेल्टा टी बी हो गया क्वथनांक का उन्नयन, क्वथनांक कितना बढ़ा। के बी क्या हो गया, मोलल उन्नयन स्थिरांक। डब्ल्यू बी क्या हो गया, विलेय का द्रव्यमान। एम बी क्या हो गया, विलेय का मोलर द्रव्यमान। और डब्ल्यू ए क्या हो गया, विलायक का द्रव्यमान, जो कि इसमें लिया जाता है, जो हमेशा हम किलोग्राम में लेते हैं। ये दोनों ग्राम में हो सकता है लेकिन ये हमेशा किलोग्राम में होता है। तो बस यही फॉर्मूला है। और के बी का मात्रक क्या है, निकाल विलेय क्लास में ना, के बी का मात्रक क्या होता है, केल्विन के जी मोलिनहाउस, ठीक है। इतनी बात तो आपको पता होनी चाहिए। अब हम लोग चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है एनसीईआरटी क्वेश्चन है, दोनों एनसीईआरटी में देख सकते हैं इसको। तो पहला क्वेश्चन देखो हम लिख रखे हैं, एक पात्र में 18 ग्राम ग्लूकोज को 1 केजी जल में घुलाया गया, तो उतना 1.013 बार प्रेशर पे दाब पे यह जल किस ताप पर उबलेगा। जल के लिए के बी का मान दिया हुआ है 0.52 केल्विन केजी पर मोल। सबसे पहले क्या करते हैं कि हम लिख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। देखो, दिया है 18 ग्राम ग्लूकोज को, मतलब कि जो डब्लू बी है, डब्लू बी मतलब कि देखो यहाँ पर विलेय है ना, ग्लूकोज क्या है, विलेय, और जल क्या है, विलायक। तो जल ग्लूकोज का जो द्रव्यमान है कितना दिया हुआ है, 18 ग्राम, ठीक है। और क्या दिया है, तो ग्लूकोज का जो मोलर मास है, जो मोलर द्रव्यमान है ग्लूकोज का, वो कितना हो जाएगा। देखो फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। कार्बन का कितना होता है, 12 × 6 = 1 × 12 + 16 × 6, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अप्रॉक्स 180। तो एम बी कितना दिया हुआ है, 180 ग्राम दिया हुआ है। 1 केजी जल में, मतलब डब्ल्यू ए
कितना दिया हुआ है 1 kg, ठीक है। उसके बाद प्रेशर दिया है, प्रेशर का यहाँ पर कोई यूज़ नहीं है, आप देख सकते हैं प्रेशर यहाँ पर कोई यूज़ नहीं, कोई टर्म नहीं प्रेशर का, कन्फ्यूज़ करने के लिए दिया हुआ है। किस ताप पर उबलेगा, जल के लिए के बी का वैल्यू दिया हुआ है, के बी कितना दिया हुआ है, के बी दिया हुआ है 0.52 केल्विन केजी मोल इनवर्स। तो डब्ल्यू भी दिया है, एम बी दिया है, डब्ल्यू भी दिया है, के बी दिया है, हमको क्या फाइंड करना है, हमको फाइंड करना है किस ताप पर उबलेगा, मतलब हमको जो है ये टी बी फाइंड करना है, ठीक है। अब टी बी कैसे फाइंड होगा, देखो अगर डेल्टा टी बी निकल जाए, ठीक है, और टीन भी तो पता है जो कि जल है, और जल का जो क्वथनांक है वो कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, या फिर केल्विन में बोलें तो 373.15 केल्विन। तो हमको अगर टीन भी तो पता है, अगर ये निकल जाए कि बिलियन क्वथनांक का उन्नयन कितना हुआ, तब हम ये निकाल पाएंगे, है कि नहीं। तो टी बी इजकल टू क्या हो जाएगा बोलो, टी बी इजकल टू हो जाएगा डेल्टा टी बी प्लस टी नॉट बी। तो पहले हमको क्या करना पड़ेगा, डेल्टा टी बी निकालना पड़ेगा, क्योंकि टी नॉट बी तुमको पता है, अगर डेल्टा टी बी निकल गया टी बी भी निकल जाएगा। चलो निकालते हैं डेल्टा टी बी, फार्मूला कौन सा है याद है, फार्मूला याद करो, डेल्टा टी बी इजकल टू के बी इंटू डब्ल्यू बी बाई एम बी इंटू डब्ल्यू ए। ये फॉर्मूला कहाँ से आया, चूँकि पिछले वीडियो में बताए हैं और इसमें एक एक चीज़ का मतलब क्या होता है वही बताए हैं, इसलिए बेहतर होगा कि अगर वीडियो अभी तक नहीं देखें जाकर उसको देख लीजिए तभी इस वीडियो पर आइए, ठीक है। तो डेल्टा टी बी इजकल टू के बी इंटू डब्ल्यू बी बाई एम बी इंटू डब्ल्यू ए। बताओ के बी कितना दिया हुआ है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। देखो जो अनुसंग गुणधर्म टॉपिक है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, इसमें से निश्चित रूप से 5 नंबर का न्यूमेरिकल बोर्ड में आता ही है, आपको केवल इसका फॉर्मूला अगर याद है तो क्वेश्चन नहीं छूटेगा, क्योंकि इसमें डायरेक्टली क्वेश्चन बेस्ड ही क्वेश्चन फॉर्मूला जो ऑब्जेक्टिव है जो मतलब न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो बोर्ड में पूछा जाता है, इसलिए आपको जो है जो फॉर्मूला है 4 फॉर्मूला है 4 अनुसंग गुणधर्म का वो आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। तो के बी कितना दिया हुआ है 0.52 इंटू डब्ल्यू बी कितना दिया हुआ है 18, ठीक है, एम बी कितना दिया हुआ है 180 और डब्ल्यू ए कितना दिया हुआ है 1, ठीक है। अब इससे ये कैंसिल हो गया, कितना हो गया 10, ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 0.052, मतलब कि डेल्टा टी बी निकल गया। डेल्टा टी बी क्या है, डेल्टा टी बी है क्वथनांक का उन्नयन, तो क्वथनांक में कितना उन्नयन हुआ, क्वथनांक में 0.052 जो है उन्नयन हुआ, ठीक है। तो हमको क्या निकालना है, टी बी निकालना है, तो डेल्टा टी बी इजकल टू क्या है टी बी माइनस टी नॉट बी, तो टी बी इजकल टू क्या हो जाएगा बोलो, ये इधर माइनस में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो टी बी इजकल टू हो जाएगा डेल्टा टी बी प्लस टी नॉट बी। डेल्टा टी बी कितना है 0.052 प्लस टी नॉट बी, मतलब कि विलायक का क्वथनांक, विलायक कौन है जल, जल का क्वथनांक कितना होता है, जल का क्वथनांक होता है 373.15 केल्विन, एकदम प्रिसाइजली 15 केल्विन ले रहे हैं हम, क्योंकि यहाँ पर भी दशमलव में दिया हुआ है इसलिए बेहतर होगा कि हम 15 लेकर चलें। तो कितना हो जाएगा ये 373.15 केल्विन, इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 373.15, यहाँ पर कितना हो जाएगा ये देखो 2 है तो 2550111 2 केल्विन। तो मतलब कि जो बिलियन है वो किस तापमान पर उबलेगा 373.202 केल्विन पर उबलेगा। देखो क्वथनांक बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, बढ़ गया, पहले जल का क्वथनांक कितना था 373.15 केल्विन था, अब कितना हो गया 373.202 केल्विन हो गया। चलो तो समझ में आया क्वेश्चन, ये इजी क्वेश्चन था, देखो सिंपल, इसको नोट कर लो, बेहतर होगा इस वीडियो को पॉज करो नोट कर लो, ठीक है, चलो साफ कर लो। चलो अब सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। तो अभी तक जो है मेरे ख्याल से आपको फार्मूला कैसे यूज करना है ये समझ में आ गया होगा, और यही मेन चीज़ है कि फार्मूला को यूज कैसे करना है, कौन सा वैल्यू क्या होता है क्वेश्चन में और कैसे उसको रखना है, बाकी इसमें केवल कैलकुलेशन है और ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। चलो सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, बेंजीन का क्वथनांक इतना है, तो इतना विलेय को मतलब 1.80 ग्राम अवाष्पशील विलेय को 90 ग्राम बेंजीन में घोलने पर बिलियन का क्वथनांक बढ़ के इतना हो जाता है,
ठीक है, तो बिलियन के मोलर द्रव्यमान की गणना कीजिए। बेहतर होगा क्वेश्चन को पॉज कीजिए और खुद से बनाइए क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए हम बनाते हैं, देखिए। तो बेंजीन का क्वेश्चनांक दिया हुआ है, अच्छा है, क्योंकि हम लोग को केवल जल क्वेश्चनांक पता होता है। बेंजीन क्वेश्चनांक मतलब टी नॉट बी कितना दिया हुआ है, 353 केल्विन। और बिलियन क्वेश्चनांक भी दिया हुआ है, बिलियन क्वेश्चनांक कितना दिया हुआ है, 354.11 केल्विन। तो यहाँ से देखो, टी नॉट बी दिया है और टी बी दिया है, तो हम डेल्टा टी बी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो डेल्टा टी बी क्या हो जाएगा बोलो, डेल्टा टी बी हो जाएगा टी बी माइनस टी नॉट बी। टी बी कितना दिया हुआ है, टी बी दिया हुआ है 354.11 केल्विन, और टी नॉट बी दिया हुआ है 353.23 केल्विन। इसको माइनस कीजिए कितना आ रहा है, तो कितना, जो 11 है ये 3, तो कितना हो जाएगा 8, ठीक है, और ये 10 to 8, ठीक है, तो 0.88 केल्विन। मतलब कि जो क्वथनांक का उन्नयन है वो कितना होगा, 0.88 केल्विन। अब तो सिंपल है, अब हमको निकालना क्या है इसमें, विलेय का मोलर द्रव्यमान, मतलब हमको ये एम बी फाइंड करना है। देखो यही पांच चीज़ है, इसी में से घुमा फिरा के कोई चार दे देगा, पांचवा पूछेगा, ये देखो यहाँ पर तो दिया भी नहीं था, डेल्टा टी बी फाइंड करना पड़ा है। तो बस आपको ये दोनों फॉर्मूला याद रखना चाहिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। तो डेल्टा टी बी दिया हुआ है, हमको क्या करना है, एम बी निकाल लेना है। तो सिंपल सा हमको पहले फॉर्मूला से यहाँ लिखना पड़ेगा, फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा आपको। डेल्टा टी बी इक्वल टू क्या होगा, के बी इंटू डब्ल्यू बी। उसी फॉर्मूला को रटने की जरूरत नहीं है, हम बताए थे फॉर्मूला कैसे आया था। अगर आपको मोलालता आता है, ठीक है, तो आप ये फॉर्मूला खुद से डिराइव कर सकते हैं, हम किए हुए थे पिछले वीडियो में, उसको देख लीजिएगा। तो के वी इन डब्ल्यू बी बाई एम बी इंटू डब्ल्यू ए, हमको यहाँ पर निकालना क्या है, एम बी निकालना है। तो एम बी को इधर ले गए, इसको इधर ले आए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो एम बी इजकल टू क्या हो जाएगा बोलो, एम बी इजकल टू हो जाएगा के बी इंटू डब्ल्यू बी बटा डेल्टा टी वी इंटू डब्ल्यू ए। के बी कितना दिया हुआ है, के बी दिया हुआ है, हाँ जी, 2.53। तो 2.53 इंटू डब्ल्यू बी कितना दिया हुआ है, डब्ल्यू बी मतलब कि विलेय का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है, 1.80। डेल्टा टी बी कितना दिया हुआ है, 0.88। और फिर डब्ल्यू ए कितना दिया हुआ है, डब्ल्यू ए देखो, डब्ल्यू ए मतलब क्या, डब्ल्यू मतलब कि विलायक का द्रव्यमान। तो कितना दिया हुआ, देखो 90 ग्राम दिया है ना, 90 ग्राम बेंजीन। तो ये हमेशा लेते हैं कि इसमें केजी में, तो इसको 1000 से डिवाइड कर दिए, है ना, विलायक का द्रव्यमान हमेशा किलोग्राम में लेते हैं, डिवाइड कर दिए 1000 से, 1000 ऊपर चला गया तो क्या हो गया, इंटू 1000, ठीक है। अब क्या होगा, इससे ये कैंसिल हो गया, ठीक है। उसके बाद मान लो इसको भी उड़ा दिए, नीचे में क्या आ जाएगा, 100, 9 से ये कैंसिल, तो कितना हो जाएगा, 9 2 18 और 0, ठीक है। डेसिमल है तो डेसिमल ऊपर गया, ऊपर में भी क्या हो गया, 100, एकदम सिंपल कैलकुलेशन है, कुछ नहीं। 20 है 10, ये कितना हो गया, 44, ठीक है। उसके बाद फिर ये 22, ये कितना हो गया, 5, उसके बाद ये 2 5 10, फिर ये हो गया 11, ये कितना हो जाएगा, 50, ठीक है। उसको फिर 11 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा, मान लो ये गया नीचे में, फिर एक और 100 आ गया, ठीक है। तो 50 से ये कैंसिल हो गया, कितना हो गया, 2, ठीक है। 5 से 100 कैंसिल होगा, कितना हो गया, ये 20। अब ये ऊपर में हो गया हमारा 253 इंटू 100। अब देखो 11 से अगर हम 250 डिवाइड करें तो कितना हो जाएगा, 2, तो ये हो गया 22, 3 3 कैंसिल, ठीक है, और 11 3 जा 33, मतलब 23 आएगा। देखो यहाँ पर कितना हो गया, 23 इंटू, यहाँ पर कितना है, 100 बाई, यहाँ पर कितना है, ये तो किया, ठीक है, ये तो कितना ख़त्म हो गया, यहाँ पर कितना है, 20 इंटू 2 कितना हो जाएगा बोलो, 40, 20 इंटू 2 कितना हो गया, 40, इससे ये कैंसिल, ठीक है, 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10, फिर 2 से ये कैंसिल होगा तो 11.5, तो ये हो जाएगा 5 2
56.5 ग्राम जो है लगभग इसमें आंसर होगा। बाकी देखो कैलकुलेशन है, यहाँ तक तो सही है ना, कैलकुलेशन है, इस क्वेश्चन का कैलकुलेशन खुद से करना, देखना यहाँ पर क्या आंसर आ रहा है, लिखना है इसको, अगर इसमें आंसर अगर सही ना हो तो कैलकुलेशन है, इसको खुद से कर लेना, इसमें कुछ खास नहीं। तो मेन चीज़ हमारा ये था, मतलब कि जो मूल द्रव्यमान है वो कितना आया, 56.5 ग्राम आया। कैलकुलेशन है, इसको खुद से कर सकते, लगभग लगभग इतना ही या फिर कुछ और भी याद बताना उसको, ठीक है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं, अब हम लोग जो है इसी में जो नेक्स्ट हमारा वीडियो, जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है उसको अभी हम लोग करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है वो है हिमांक का अवनमन। चलिए शुरू करते हैं हिमांक का अवनमन। हाँ, तो अभी तक हम लोग जो है क्वथनांक के उन्नयन पर जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन थे कुछ, उसको हम लोग देख रहे थे। एक दो क्वेश्चन और है, उससे बेहतर होगा आप खुद से ट्राई कीजिएगा, बनेगा। बाकी जब चैप्टर ख़त्म होगा, जितने भी इसमें प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं, मतलब बिहार बोर्ड का या फिर सीबीएसई बोर्ड का भी, जो भी मतलब अच्छा अच्छा क्वेश्चन इस चैप्टर में है फिर एनसीईआरटी का, उसको हम करवाएंगे। हालांकि कुछ क्वेश्चन हम अभी भी करवाते जा रहे हैं, और चैप्टर के लास्ट में कुछ जो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं उसको भी हम करवाएंगे, जो छोटा हुआ क्वेश्चन है उसको भी करवाएंगे। लेकिन बेहतर होगा कि आप खुद से भी जो टॉपिक खत्म हो रहा है उसको एनसीईआरटी से देखकर या फिर जो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन बैंक है उससे देखकर जो है क्वेश्चन करते रहो, अच्छा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्वथनांक का उन्नयन खत्म होता है। हम लोग अब नेक्स्ट जो अनुषंग गुणधर्म है वो पढ़ते हैं, वो है हिमांक का अवनमन। नेक्स्ट कौन है, हिमांक का अवनमन, अंग्रेजी में बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। तो अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे क्वथनांक का उन्नयन, सेम टू सेम जैसे जैसे चीज़ें उसमें यूज हुई हैं वहीं वहीं चीज़ें इसमें भी यूज होंगी, ठीक है। मतलब जो कॉन्सेप्ट वहाँ पर यूज हुआ है जैसे सब कुछ सेम है, इसलिए अगर वो समझ रखे तो ये समझना एकदम आसान हो जाएगा आपके लिए। सर समझिए हिमांक क्या है और अवनमन क्या है। तो हिमांक जैसे अंग्रेजी समझ रहे हैं फ्रीजिंग पॉइंट, अगर सिंपल भाषा में अगर हम बोलें जिस तापमान पे कोई द्रव अपने ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाए उस तापमान को क्या कहते हैं, हिमांक कहते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। लेकिन ये एकदम बच्चे वाला डिफिनेशन हो गया जो आप 6-7 क्लास में भी पढ़ते रहे, तो इसका जो अच्छा डिफिनेशन है जो आपके लेवल का है 12th लेवल का, अगर वो हम बोले कि हिमांक किसे कहेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट किसे कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं, देखो अगर हम बात करें कोई पदार्थ मान लो कि ठोस अवस्था में है और मान लो कि द्रव अवस्था में, किस अवस्था में उसका वाष्प दाब ज़्यादा होगा, द्रव अवस्था में कि ठोस अवस्था में उसका वाष्प दाब ज़्यादा कब होगा, द्रव अवस्था में ज़्यादा होगा कि ठोस अवस्था में ज़्यादा होगा, निश्चित रूप से द्रव अवस्था में ज़्यादा होगा, क्योंकि द्रव अवस्था में जो मोलिक्यूल है, जो अणु है, थोड़ा दूर दूर है, तो अणु चूँकि दूर दूर है तो इसलिए वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर उनके जो वाष्प दाब है वो ज़्यादा होगा, जबकि ठोस अवस्था में अणु बहुत ही ज़्यादा आकर्षित रहते हैं इसलिए इसमें वाष्प दाब कम होगा, ठीक है। तो हम ऐसा कहेंगे इसको, अगर हिमांक को हमको परिभाषित करना है तो एक तो ये बात तो है ही, जिस तापमान पर कोई द्रव ठोस बन जाता है वो तापमान जो है हिमांक कहलाता है। लेकिन अच्छा डिफिनेशन अगर हम देना चाहें तो हम ये बोलेंगे कि जिस तापमान पे, ध्यान से सुनिएगा, बेहतर होगा इसको नोट डाउन में कर लीजिएगा, कि जिस तापमान पे किसी द्रव का वाष्प दाब उसके ठोस के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है उस तापमान को हिमांक कहते हैं। फिर सुनो, जिस तापमान पे किसी द्रव का वाष्प दाब उसके ठोस के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है उस तापमान को क्या कहते हैं, हिमांक। देखो जैसे जैसे द्रव मान लो कि ठोस में चेंज होगा, कैसे होगा, ठंडा करने पर, द्रव को ठंडा करते हैं तो वो ठोस में चेंज होता है कूलिंग करने पर। तो अब मान लो जैसे जैसे हम द्रव को ठंडा करते जाएंगे उसका वाष्प दाब घटते जाएगा, चूँकि हम लोग पढ़े थे तापमान बढ़ाने से वाष्प दाब बढ़ता है और तापमान घटाने से वाष्प दाब भी घटता है। तो तापमान घटाएंगे तो मोलिक्यूल्स पास पास आएंगे, मोलिक्यूल्स पास पास आएंगे तो उससे उसका जो वाष्प बनने का दर है वो कम हो जाएगा, उससे वाष्प दर वाष्प दाब भी कम हो जाएगा। मतलब कि हम कह सकते हैं कि तापमान बढ़ाने से, ये हम लोग पिछले 3 वीडियो से लगातार पढ़ रहे हैं सेम बात, कि तापमान बढ़ाने से वाष्प दाब बढ़ जाता है, तापमान घटाने से वाष्प दाब घट जाता है, ठीक है। तो अब मान लीजिए कोई द्रव है और उसको हम ठंडा करें, उसको मतलब कि उसको हम क्या करें, फ्रीज करें, ठीक है। तो धीरे धीरे क्या होगा, उसका जो वाष्प दाब है वो घटते जाएगा, क्योंकि ठंडा करेंगे तो वाष्प दाब घटते जाएगा, और एक समय ऐसा आएगा जब उसका वाष्प दाब जो उसका ठोस अवस्था में पदार्थ है उसके वाष्प दाब के बराबर हो जाए,
देखो बात सेम ही है, बस उनको इनडायरेक्टली बोल रहे हैं, और यही मतलब अच्छा डिफिनेशन इसका हो सकता है कि जिस तापमान पर किसी द्रव का वाष्प दाब उसके ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है उस तापमान को क्या कहा जाता है, हिमांक कहा जाता है, फ्रीजिंग पॉइंट कहा जाता है। ठीक है, अब ये बताओ कि जब किसी वाष्पशील विलायक में, अगर वीडियो आप शुरू से देख रहे हैं मतलब कि पिछले दो तीन वीडियो अगर देखे हुए हो तो ये बात आप बता दोगे इजीली, कि अगर किसी वाष्पशील विलायक में अवाष्पशील विलेय को मिलाया जाता है तो बताओ उसका वाष्प दाब बढ़ता है कि घटता है, घट जाता है। जब किसी वाष्पशील विलायक में अवाष्पशील विलेय को मिलाते हैं तो उसका वाष्प दाब क्या हो जाता है, घट जाता है। अब मान लो कोई वाष्पशील विलायक था उसमें हम अवाष्पशील विलेय को मिलाएं, वाष्प दाब घट गया, तो अब उसको फ्रीज करना, अब उसको ठोस में परिवर्तित करना आसान हो गया कि मुश्किल हो गया, आसान हो गया, क्योंकि हमको क्या करना है, उसी का वाष्प दाब घटाना है। जितना ज़्यादा वाष्प दाब घटते जाएगा उतना आसानी से वो चेंज होते जाएगा, ठीक है, ठोस में। तो मतलब किसी भी वाष्पशील विलायक में अगर अवाष्पशील विलेय को मिलाते हैं उसका वाष्प दाब घट जाता है, जिससे कि हमको उसको ठोस में चेंज करना आसान हो जाएगा, ठीक है, मतलब उसका हिमांक क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो इसी को हिमांक का अवनमन कहा जाता है। कि हिमांक का अवनमन क्या है, तो हम इसे बोले थे पिछले वीडियो में बताए हुए थे कि ये सेम लाइन हर एक जगह काम करेगा, कि जब किसी वाष्पशील विलायक में अवाष्पशील विलेय को मिलाया जाता है तो विलयन का वाष्प दाब क्या हो जाता है, घट जाता है। तो जब विलयन का वाष्प दाब घट जाएगा तो उसका हिमांक भी घट जाएगा, इसी को हिमांक का अवनमन कहा जाता है, क्योंकि अब ज़्यादा जल्दी आसानी से वाष्प में परिवर्तित हो जाएगा, सॉरी ठोस में परिवर्तित हो जाएगा। तो चलिए इसमें हम लोग फार्मूला थोड़ा सा देखते हैं। जैसे कि मान लो कि ये कोई द्रव है और इसका जो हिमांक है वो मान लो टी नॉट एफ है, क्या है, टी नॉट एफ, फ्रीजिंग टेम्परेचर, टी नॉट एफ। अब इसमें क्या किए कि किसी अवाष्पशील विलेय को मिलाएं, जब अवाष्पशील विलेय को मिलाएंगे तो जो इसका वाष्प दाब है, जो इसका वाष्प दाब है वो घट जाएगा, वाष्प दाब घटने पर जो इसका हिमांक है, जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो भी घट जाएगा। तो मान लो फ्रीजिंग पॉइंट घट के हो गया टी एफ, क्या हो गया टी एफ, पहले क्या था टी नॉट एफ, अब क्या हो गया, अब हो गया टी एफ। तो अगर ये पूछे जाए हिमांक का अवनमन कितना हुआ, हिमांक का अवनमन कितना हुआ, तो हिमांक का अवनमन क्या होता है, डेल्टा टी एफ। हिमांक का अवनमन क्या होता है, बोलो, डेल्टा टी एफ। डेल्टा मतलब चेंज, कहीं भी कुछ परिवर्तन होता है तो उसके लिए हम डेल्टा सिंबल यूज करते हैं। डेल्टा मतलब कि फाइनल माइनस इनिशियल, अंतिम माइनस प्रारंभिक, ठीक है। तो इसमें अंतिम क्या है, मतलब इसमें देखेंगे बड़ा कौन है, टी एफ की टी नॉट एफ, बड़ा है टी नॉट एफ, जो पहले हिमांक ज़्यादा था, हिमांक का अवनमन हो गया। अवनमन मतलब क्या होता है, घटना, उन्नयन मतलब बढ़ना, अवनमन मतलब घटना। तो ये घट गया तो हम बोलेंगे कि हिमांक का अवनमन कितना हो जाएगा, टी नॉट एफ माइनस क्या हो जाएगा, टी एफ। और जो हिमांक का अवनमन है डेल्टा टी एफ, वो पाया गया प्रायोगिक रूप से, ये आपको याद रखना है, ये सेम बात उसमें ही पढ़े थे, बस वहाँ पर टी बी माइनस टी नॉट बी था और यहाँ पर टी नॉट एफ माइनस टी एफ है, चूँकि वहाँ पर बड़ा कौन था, टी बी बड़ा था, चूँकि वहाँ पर क्वेश्चनांक बढ़ गया था, और यहाँ पर बड़ा कौन है, टी नॉट एफ बड़ा है, चूँकि यहाँ पर हिमांक घट गया है। तो हमेशा जो ज़्यादा है उसमें से जो कम है उसको घटाते हैं, ठीक है। तो डेल्टा टी एफ ऐसा देखा गया, प्रयोग से देखा गया, प्रयोग से, कि जो डेल्टा टी एफ होता है, जो डेल्टा टी एफ होता है वो समानुपाती होता है मोललता के। डेल्टा टी एफ भी समानुपाती होता है किसके, मोललता के। एम क्या है, एम है मोललता, मोलरता नहीं, मोललता। अब मोललता क्या होता है, मोललता होता है एक केजी विलायक में उपस्थित विलेय की मात्रा, विलेय की मोलों की मात्रा क्या कहलाती है, मोललता कहलाती है। सिंबल क्या होता है, स्मॉल एम। तो डेल्टा टी एफ समानुपाती एम, समानुपाती का साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, बोलो, डेल्टा टी एफ इजकल टू के एफ इंटू एम। वहाँ पर भी आया था एक कांस्टेंट, उसका क्या नाम था, के बी, और के बी को क्या बोलते हैं,
केबी को बोलते हैं मोलल उन्नयन स्थिरांक, वैसे ही केफ को बोलते हैं मोलल अवनमन स्थिरांक। क्या बोलते हैं? मोलल अवनमन स्थिरांक बोलते हैं, या फिर इसका एक और नाम होता है क्रायोस्कोपिक स्थिरांक। वहाँ पर क्या बोले थे? इब्यूलोस्कोपिक स्थिरांक, है ना। केबी को दो नाम होता है, एक होता है मोलल उन्नयन स्थिरांक और एक होता है इब्यूलोस्कोपिक स्थिरांक। वैसे ही यहाँ पर केफ का एक नाम होता है मोलल अवनमन स्थिरांक और एक होता है क्रायोस्कोपिक स्थिरांक, क्रायोस्कोपिक स्थिरांक, ठीक है। अच्छा चलो, अब केएफ को मान लो परिभाषित करना हो और इसको मात्रक ज्ञात करना हो तो कैसे करेंगे? सब कुछ देखो सेम चल रहा है। अगर पहला वीडियो देखोगे तो सेम जो वहाँ पर पढ़े थे वो सेम चीज़ यहाँ, बस वहाँ पर बी था क्योंकि वहाँ बॉइलिंग का बात हो रहा था, यहाँ पर एफ आ गया है क्योंकि यहाँ पर फ्रीजिंग का बात हो रहा है ना, यहाँ पर यहाँ मतलब कि हिमांक का बात हो रहा है, वहाँ पर क्वथनांक का बात आ रहा था, ठीक है। चलो केएफ को परिभाषित कैसे करेंगे और केएफ का मात्रक क्या होगा? देखो केएफ इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, एम इधर मल्टीप्लाई में है, यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो केएफ इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो? डेल्टा टीएफ बाई एम हो जाएगा। केएफ डेल्टा टीएफ का मात्रक क्या होगा? केल्विन, चूंकि डेल्टा टीएफ क्या है? तापमान। डेल्टा टीएफ क्या है? तापमान। तापमान का मात्रक क्या होता है? केल्विन। और एम क्या है? मोललता। मोललता का मात्रक क्या होता है? मोल पर केजी। तो ये ऊपर गया तो केएफ का जो मात्रक है वो हो जाएगा केल्विन केजी मोल इनवर्स। क्या हो जाएगा? केल्विन केजी मोल इनवर्स हो जाएगा, केल्विन केजी मोल इनवर्स हो जाएगा। अच्छे से परिभाषित कैसे करेंगे? यहाँ से देखो डेल्टा टी एफ इक्वल टू क्या है? केएफ इंटू एम। अगर एम को हम वन मान लें तो डेल्टा टी एफ जो है केएफ के इक्वल हो जाएगा। मतलब कि हम लिखें यदि एम बराबर एक मोल पर केजी तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू केएफ। मतलब हम कह सकते हैं कि इकाई, इसको तो लिख लो, इसको लिखना परिभाषा किसका? मोलल अवनमन स्थिरांक का, केएफ का लिखना। इकाई मोललता वाले, इसको हम यहाँ लिख दें, लिखो लिखो बोल रहे हैं, देखो वीडियो पॉज करके लिखते रहो। इकाई मोललता वाले बिलियन के लिए इकाई मोललता, देखो मोललता कितना मान ले? एक, तो ये एक हो गया तो ये इसकी इक्वल हो गया। तो इकाई मोललता वाले बिलियन के लिए उस बिलियन का मोलल अवनमन स्थिरांक, उस बिलियन का मोलल अवनमन स्थिरांक हिमांक के अवनमन के बराबर होता है, हिमांक के अवनमन के बराबर होता है। समझे ना क्या बोले? कि अगर m को 1 मान लें तो ये तो 1 हो गया, तो डेल्टा टी एफ इक्वल टू क्या होगा बोलो? kf। डेल्टा टी एफ इक्वल टू क्या होगा? kf होगा। तो यदि m को 1 मान लें तो डेल्टा टी एफ जो है kf के इक्वल होगा और kf का जो मात्रक है वो क्या होगा बोलो? केल्विन केजी मोल इनवर्स। अब यहाँ पर जो हमारा मेन मुद्दा वाला बात है कि क्वेश्चन कैसे बनेगा, देखिए। तो डेल्टा टी एफ इक्वल टू क्या है? केएफ इंटू एम है। तो डेल्टा टी एफ बराबर केएफ इंटू, बताओ एम, एम क्या है? मोललता। मोललता क्या होता है? एन बी बाई डब्ल्यू ए, एन बी बाई डब्ल्यू ए, बताया था ना फर्स्ट वीडियो में, फर्स्ट वीडियो बिलियन का यही है, उसको अच्छे से देखना, जिसमें मोलरता मोललता मोल अंश सब बताए हैं विस्तार से एकदम। तो m क्या है? m है मोललता। और मोललता क्या होता है? मोललता होता है एक के जी विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, है ना। मतलब nb मतलब विलेय के मोल बटा wa मतलब कि विलायक का द्रव्यमान, ठीक है। तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा? nb बाई डब्ल्यू ए। तो kf इंटू m की जगह क्या आ गया? nb बाई डब्ल्यू ए। तो डेल्टा tf इक्वल टू kf इंटू nb बाई डब्ल्यू ए। nb क्या है? मोल। और मोल क्या होता है? w बाई m, दिया गया द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान। तो डेल्टा tf बराबर kf इंटू wb बाई एम बी
इंटू डब्ल्यू ए। देखो सेम एक्सप्रेशन है, सेम फार्मूला, बस वहाँ पर बी था और यहाँ पर क्या आ गया है, एफ आ गया। तो डेल्टा टी एफ इजकल टू क्या हुआ, के एफ इंटू डब्ल्यू एफ, के एफ इंटू डब्ल्यू बी बाई एम बी इंटू डब्ल्यू ए। यहाँ पर डेल्टा टी एफ क्या है, डेल्टा टी एफ है हिमांक का ऑनमन, ठीक है। के एफ क्या है, के एफ है क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टेंट या फिर मोलर ऑनमन स्थिरांक। डब्ल्यू बी क्या है, विलेय का द्रव्यमान। एम बी क्या है, विलेय का मोलर द्रव्यमान। और डब्ल्यू ए क्या है, विलायक द्रव्यमान, जो किसमें लिया जाता है, हमेशा केजी में लिया जाता है, ठीक है। तो बेहतर होगा कि इसको पॉज करो और इसको जितनी बातें लिखी हुई हैं उसको अच्छे से लिख लीजिए। ये सब मेरे ख्याल से हम पिछले क्लास में भी लिख दिए थे, पिछले वीडियो में, कि कौन चीज़ क्या है, तो इसको आप वहाँ से भी देख सकते हैं या फिर समझ सकते हैं कि डेल्टा टी एफ क्या है, तो मोलल ऑनमन स्थिरांक है, ठीक है। के एफ डेल्टा टी एफ क्या है, डेल्टा टी एफ है हिमांक का ऑनमन। डब्ल्यू बी क्या है, बिलय का द्रव्यमान। एम बी क्या है, बिलय का मोलर द्रव्यमान। और डब्ल्यू ए क्या है, डब्ल्यू ए है विलायक का द्रव्यमान, ठीक है। इसमें हम लोग अब एक दो क्वेश्चन देखते हैं एनसीईआरटी का, और फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो जो है वो, नेक्स्ट टॉपिक जो है वो पढ़ेंगे।